नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। अपने फ्री वाले लॉलीपॉप से दिल्ली की जनता को लुभाकर राजधानी में राजनीतिक जड़ें मजबूत करने के बाद अब आम आदमी पार्टी देश के अलग अलग राज्यों में भी सियासी जमीन तलाशने में जुटी हुई है। खासकर पार्टी की इस बार सबसे ज्यादा नजर देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश पर है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता लगातार योगी सरकार पर जुबानी हमला करने के साथ ही प्रदेश का दौरा करने में लगे हुए हैं। तो वही केजरीवाल ने 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह या लंबे समय से सक्रिय नजर आ रहे हैं, लेकिन यूपी की सियासत में दिल्ली की तरह झाड़ू का जादू चलाने का सपना रखने वाले आम आदमी पार्टी के नेताओं से अगर कोई भी पत्रकार उनकी नीयत पर सवाल करता है तो वो भड़कते हुए सवालों से बचते नजर आते हैं। जब हाल ही में प्रेस वार्ता के दौरान जब आप सांसद संजय सिंह से कुछ बड़े सवाल किए गए तो उनकी बोलती बंद हो गई और दिल्ली सरकार के सवालों पर वो ऐसे फंसे कि जल्दबाजी में किसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म करके भाग खड़े हुए। आप उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन जब कोरोना फैला था तो आपकी सरकार ने कहा था दिल्ली में सिर्फ दिल्ली के लोगों का इलाज होगा और पूर्वांचल के बारे में कहा था कि 500 रुपए लगा के 5 लाख का इलाज कराया था। यूपी के लोग आपको वोट क्यों दें? अभी सबका सवाल आना है। लाइए आप डिटेल, आप डिटेल लेके आइए सामने। आपने खरीदा है दो आपकी डिटेल है। एक मिनट, आज आपका ऑफिस जिस जगह पे है ये आवासीय लैंड है, इस पे आप कमर्शियल उपयोग कर रहे हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण जल्दी इस पे कार्रवाई करने वाला है। ये तर्क मत दीजिए, सब गलत कर रहे हैं। ये तर्क आवाज आइए जवाब दे। तो इसी तरह यूपी मॉडल और दिल्ली मॉडल में सरकारी स्कूलों की स्थितियों को लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने योगी सरकार के शिक्षा मंत्री को चुनौती दी और इसके लिए वो लखनऊ के केसरबाग के गांधी भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में पहुंचे। प्रेस वार्ता के दौरान जब पत्रकारों ने मनीष सिसोदिया से केजरीवाल और उनकी पार्टी को लेकर कई तीखे सवाल किए तो वो बुरी तरह फंसते हुए नजर आए और सवालों का जवाब देने के बजाय पत्रकारों से उलझ पड़े। यहां तक कि मीडिया के सवालों से बौखलाए सिसोदिया ने पत्रकार को भक्त कह डाला। अरे दिल्ली वालों बता दीजिए, सुल्तान नाथ सिंह जी कुल मिला के तब से बौखलाए हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने से। चाहो तो जवाब आपका वाला तो नहीं दूंगा ना, आपका सवाल आ गया जवाब मेरा सुन लेते। आप सुनने के लिए गलत धैर्य रखते दो, सवालों का जवाब दे कर रहे हैं। आपके हिसाब से जवाब नहीं मिल रहा तो आप कह रहे जवाब नहीं दे सकते। दिल्ली के स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों में सरकारी स्कूलों में दोनों का अनुपात क्या है? दिल्ली में सरकारी स्कूल समय ज्यादा है या प्राइवेट स्कूल ज्यादा है? मैं आपको बता देता हूँ सिद्धार्थ नाथ सिंह जी, उसी का जवाब दे रहा हूँ। दोनों का बताइए, लंबा नहीं। अगर जवाब आपके पास पहले से तैयार नहीं है तो फिर मेरा जवाब सुन लें। मैं दिल्ली में भी दिल्ली की बात करें ना, आप उत्तर प्रदेश में बात करें। कौन से अखबार से हैं? सर, बच्चों की बात करें। अरे भाई आप ऐसे सवाल नहीं। चलिए बीजेपी का मेरा एक रिक्वेस्ट है, सही डेटा पे सवाल करिए, वरना फोटोशॉप की दुकान तो सिद्धार्थ नाथ सिंह जी ने ट्वीट की थी। bjp.com पे बहुत सारा फर्जी डेटा होगा, मिलेगा आपको। आइए, आपको किसानों में बैठने से टेंशन है, मेरे यहाँ बैठने से टेंशन है? तो देखा आपने, यूपी को फतेह करने का ख्वाब रखने वाले उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की दिल्ली में बेकाबू कोरोना और यूपी के लोगों के अपमान के सवाल पर कैसे बोलती बंद हो गई। इसके अलावा दिल्ली के सरकारी स्कूलों में निजी स्कूलों के मुकाबले कम होती छात्र संख्या के सवाल पर भी सिसोदिया संतोषजनक जवाब देने के बजाय पत्रकारों से ही बहस करने लगे। यही नहीं बल्कि दिल्ली के स्कूलों में बड़ी संख्या में प्रधानाचार्यों के पदों पर खाली पड़ी जगहों पर सवाल पूछा गया तो सिसोदिया बगले झांकते हुए नजर आए। कुल मिलाकर जिस सपने को पाले आम आदमी पार्टी यूपी की सियासत में धमाका करने की कोशिशों में लगी हुई है, वो खुद ही अपनी नाकामियों और हरकतों के चलते बुरी तरह से फंस गई है। खासकर लॉकडाउन के दौरान यूपी की जनता के साथ जो धोखा और भेदभाव किया गया, ये एक मुद्दा बड़ा सवाल बनकर केजरीवाल की पार्टी के दावों की हवा निकल रहा है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।